अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर यहाँ यूएई में कोई आता है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, ये पांच बैंक्स ऐसे हैं जिसके अंदर उनको लाजमी अपनी सीवी देनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन दें चाहे वो जाके एचआर को खुद दें, ठीक है ना। ये पांच बैंक ऐसे हैं जिनको 101% स्पेशली फ्रेशर को तो लाजमी कंसिडर करना चाहिए। वो इसलिए कि अगर इन पांचों बैंक में से किसी एक बैंक में इनकी जॉब हो जाती है तो अच्छा पे स्केल है इन पांचों बैंक का, ठीक है ना, और मार्केट में अच्छा शेयर है। नंबर वन पे आता है एमिरेट्स एनबीडी। एमिरेट्स एनबीडी एक बहुत अच्छा बैंक है, ठीक है, बहुत बड़ा बैंक है, 50-60 से ज्यादा इसकी ब्रांचेज हैं। नंबर टू के ऊपर आता है आपका, अल्लाह भला करे, नेशनल बैंक ऑफ अबू धाबी। बल्कि नेशनल बैंक ऑफ अबू धाबी एमिरेट्स एनबीडी से भी ज्यादा अच्छा बैंक है, उसको मैं नंबर वन करूंगा प्रायोरिटी के अंदर, क्योंकि वहां पे मोस्टली यहाँ पे यूएई के लोकल्स होते हैं, बट चांसेस यहाँ पे कम मिलते हैं, बट स्टिल अगर आपको चांस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। नंबर टू पे आप एमिरेट्स एनबीडी को कर ले। एमिरेट्स एनबीडी जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा बैंक है, बेसिकली वो भी दो तीन बैंक मिला के जो है ना एक बड़ा बैंक बना है, और अच्छा खासा इसका स्टाफ है, 50-60 आई थिंक 70 से ऊपर इनके ब्रांचेस है। नंबर थ्री पे आप पकड़ लें एडीसीबी, जिसको बोलते हैं अबू धाबी कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक है, मैं अभी आपको वो बैंक्स बता रहा हूँ जो बड़े बैंक्स हैं यहाँ पे, जहां पे अक्सर हायरिंग और फायरिंग दोनों चलती रहती है, ठीक है। एडीसीबी अबू धाबी कमर्शियल बैंक के तीसरा बैंक हो गया, ये बहुत बड़ा बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है। नंबर फोर पे आप ले लें एमिरेट्स इस्लामिक बैंक। जो लोग इस्लामिक बैंकिंग में आना चाहते हैं, कमर्शियल बैंकिंग से दूर रहना चाहते हैं, वो एमिरेट्स इस्लामिक बैंक चौथा बड़ा बैंक है, अच्छा बैंक है। इसकी भी तकरीबन 60-65 से ज्यादा ब्रांचेज हैं यूएई के अंदर। आप चाहें तो इनके वेबसाइट के ऊपर जाके डायरेक्टली आपने देना है। पांचवा सबसे बड़ा बैंक यूएई के अंदर जो है वो है डीआईबी, दुबई इस्लामिक बैंक। ये पांच वो बड़े बैंक है। जब आप यहाँ यूएई के अंदर आते हैं ना, तो आपने मेक श्योर करना है 3 महीने का विजिट जब आप लेके आते हैं कि इन पांचों के पांचों बैंक्स के एचआर के पास आपकी सीवी होनी चाहिए, ऑनलाइन से भी और चाहे तो हेड ऑफिस में जाके भी, ठीक है ना। ये इनको आपने अपने दिमाग में रखना, चाहे फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस वाले हो। अगर आप एक दो बैंक, इसके अलावा तो और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, इसके अलावा शारजा इस्लामिक बैंक है, राग बैंक है, मशरक बैंक है, बहुत सारे हैं, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा। ये पांच बड़े बैंक्स हैं जिनको आपने रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि दानिश में बैंक्स में कौन कौन से बैंक्स हैं यहाँ पे, कौन से बहुत बड़े बैंक है। तो ये वो बैंक है, इनको कंसिडर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो, ठीक है। अपना भी ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा।